Please support me daily new cross dresses story in Hindi video come in 8:30 pm. Please follow me Facebook link in YouTube channel page. Please support me. Part 2. तो इसके बारे में सोचे और यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया सोमवार को हमेशा से काम करने के घंटे में उचित रूप से एक साड़ी में एक लड़की के रूप में तैयार किया गया। यदि आप एक लड़की के रूप में पास करने में सक्षम हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको नियोजित किया जाएगा। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकता, जैसा कि मैं सुन रहा था। यहां भेंट में एक नौकरी थी लेकिन मुझे अपने लिंग से समझौता करने के लिए बुलाया गया था। मैं नौकरी खोना चाहता था क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने जवाब दिया। मैं इसके बारे में सोचूंगा और आपको जवाब दे दूंगा। जब मैं बांसी के साथ प्रधान के घर छोड़ दिया था, मैंने बांसी महोदया से पूछा, क्या मैं इसे करने में सक्षम हो जाएगा? मैं नौकरी खोना नहीं चाहता, आखिरकार एक और नौकरी पाने के लिए बहुत मुश्किल है। बांसी ने मुझे आश्वासन दिया कि वह उसे किसी भी तरह से मदद करेगी जो वह चाहता था। आखिरकार यह उसके लिए भी एक सपने की तरह था। जैसे ही मैं बांसी के साथ घर पहुंचे, उसने मुझसे पूछा कि वह उसके साथ हो। मैं चुपचाप सिर पर सिर और एक प्रश्न के बिना उसके कमरे में उसके पीछे। कमरे में एक छोटी सी मेज के साथ एक बिस्तर और दो कुर्सियां शामिल हैं। उसने मुझे कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा, जब उसने खुद को ताजा करने के लिए समय लगा। उसके बाद उसने खुद को ताजा किया था, वह मेरे आगे की कुर्सी पर बैठ गई और मुझसे मेरी आंखों में घूर रही थी। आपने क्या सोचा है? क्या आप इसे एक कोशिश दे रहे हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं भ्रमित था। मैं माँ को बैठ गया, मेरे भ्रम को समझना। बांसी ने मुझे सलाह दी, मुझे लगता है कि हमें इसे पहले घर पर आ जाएगा। अगर यह काम करता है तो हम सोमवार को तंगाना स्कूल जाएंगे। मैं अनुमोदन में सिर हिलाया। मेरी कोशिश करने की मेरी इच्छा व्यक्त करने के बाद बांसी ने मुझे एक स्नान करने के लिए कहा और मेरे शरीर का पूरी तरह से दाढ़ी। मैं बस आज्ञाकारी और इससे पहले कि मैं बांसी वापस आ गया, इससे पहले दो घंटे पहले बांसी ने मुझे पूरी तरह से अपने पूरे शरीर पर बालों के एक किनारे के बिना मुंडा देखा। मुझे बहुत साफ लग रहा था। आप देखते हैं, बांसी ने मुझसे कहा, आप पुरुष आलसी प्राणियों हैं। पूरे शरीर पर बालों के किनारे के बिना ये कैसे साफ और साफ दिखता है? मुझे लगता है कि हमें कल तक इंतजार करना होगा, बांसी ने कहा। मैं अपनी शर्ट और पतलून पहना था और वहां चैंप में बैठे बेंसी के साथ चैट करने के बारे में मैं कैसे ड्रेसिंग करने की कोशिश करूंगा और मुझे क्या मदद की आवश्यकता होगी। अगले दिन जब बांसी स्कूल से घर वापस आ गया और उसके बाद उसने खुद को फोन किया था, मुझे लगता है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें इसे अब कोशिश करनी चाहिए। ये कहकर उसने मुझे नग्न पट्टी करने के लिए कहा। मुझे शर्म महसूस हुआ लेकिन मुझे ऐसा करना था। सभी बांसी के बाद ही मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अनुमोदन में जवाब मैंने अपनी शर्ट पतलून और अपने शरीर से बानिया को हटा दिया और इंतजार किया। बांसी ने मुझे अपनी अलमारी में ले लिया और मुझे एक सारस में से एक चुनने के लिए कहा। मैं उलझन में था लेकिन अंत में मैंने एक पुराने साड़ी का चयन करने के लिए साहस को मंजूरी दी। बांसी प्रतिक्रिया करने के लिए जल्दी था, वह जल्द ही एक मिलान ब्लाउज और पेटीकोट आर्ट पता चला। लेकिन इससे पहले कि मैं एक साड़ी की कोशिश करने के लिए जा सकता था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह ब्रा था। बांसी ने मेरा आकार मापा और मुझे उसकी ब्रा दिया जो आवश्यक से कम आकार कम था। झिझक और ब्लशिंग मैं इसे पहना था, लघु आकार के कारण ब्रा के कप ढीली छाती से भरा हुआ था। ये कुछ चौंडी लग रहा था लेकिन ये काफी नहीं लग रहा था, इसलिए बांसी ने दो अखंडारों को कुछ अनाज से भर दिया। अब कप भरे हुए थे और गोल हो गए। उसके बाद मैंने ब्लाउज पर कोशिश की जो एक छोटा सा छोटा था, लेकिन मैं वैसे भी इसे पहना था। बांसी ने मुझे एक पेटीटो पहनने में मदद की और मेरे चारों ओर साड़ी को लिपटे। उसके बाद वह एक अच्छा हंसी था, क्या आप इस तरह के स्कूल में काम करने जा रहे हैं? आप भयानक लग रहे हैं, कुछ और करने की आवश्यकता है। मैंने खुद को दर्पण में देखा, मैं एक खींचे की तरह देखा लेकिन मुझे अपने आप में एक मजबूत स्त्री लग रहा था जो मैं व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। मैं उत्साहित था, मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने एक भरे हुए ब्रा की भावना का अनुभव किया था, एक घूमने वाली पेटीकोट की भावना और इसे बढ़ने में संवेदना प्रदान किया गया। मैं चाहता था कि मैं पूरे दिन एक साड़ी में रह सकता हूँ,
लेकिन मेरा चेहरा कुछ हद तक निराशा था। आपको मेकअप लागू करने की आवश्यकता है तो बांसी जो भी जानते थे वह किया। ऐसा करने के लिए लगभग 1 घंटे लग गए। अब इसे बनाने और लिपस्टिक के साथ कुछ बेहतर है, लेकिन हमें पेशेवर सहायता की आवश्यकता होगी, बांसी ने कहा। मैं सिर्फ स्वीकृति में सिर हिलाया। तो बांसी ने तब एक ब्यूटीशियन पर बुलाया और कुछ व्यवस्था के बाद मेरी नियुक्ति तय की। जब मैं कल काम पर वापस आऊंगा तब आपको तैयार रहना होगा। हाँ महोदया, मैंने जवाब दिया, मैं कल शाम को अपने साथ तैयार रहूंगा। ब्यूटीशियन दोपहर में पहुंचे। वह पहले से ही जानती थी कि यह काम पहले कभी नहीं किया था, इसलिए उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। मैं इस बदलाव के लिए सभी मानसिक रूप से तैयार था। ये लगभग 2 घंटे लग गए और अंत में चेहरे नाखून किए गए थे। मैंने खुद को दर्पण में देखा। मैं बस आश्चर्यचकित था, चेहरा बदल गया था। दाढ़ी की सभी गली के साथ किसी न किसी चेहरे से यह अब चिकनी चमड़ी चेहरे में बदल गया था। अब ये साड़ी बंसी पहनने का समय था, मेरे लिए छोड़ दिया था। काम पर ब्यूटीशियन ने मुझे इस तरह की एक पूर्णता में पोशाक पहनने में मदद की थी। जब ये किया गया था मैं खुद में विश्वास नहीं कर सकता था। ये काले धारीदारों के साथ एक गहरे हरे साड़ी थी, ब्रा पूर्ण और अधिक सुरावंत किया। लेकिन फिर भी मेरे पास एक विग, गहने आदि नहीं था जिसने मुझे बहुत परेशान नहीं किया। दोनों और ब्यूटीशियन दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए बांसी के लिए इंतजार किया। बांसी के बाद 1 घंटे बाद बांसी वापस आ गया। उसने मुझे ब्यूटीशियन के साथ इंतजार कर देखा। बांसी आश्चर्यचकित थी और बहुत उत्साहित थी कि एक पल के लिए वह मुझे उसके साथ एक तंग आलिंगन करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। ब्यूटीशियन को उसके अच्छे काम के लिए बधाई दी। आधे घंटे बाद जब वह बदल गया था और हम सभी को एक कप चाय था, तो उनके लिए बाजार में कुछ खरीदारियां हैं। जब मैंने सुना है कि मैं उनके साथ जाना था, मैं लगभग नीचे फैला हुआ था, लेकिन बांसी ने मुझे मेरी पीठ पर रख दिया, मुझे कुछ प्रोत्साहन दिया और फिर हम सभी के साथ बाजार में गए। बाजार में मैंने कभी अपना सिर उठाया न तो मैंने किसी को भी देखने के लिए साहस किया था। मुझे डर था कि कोई मुझे पता चला है। बांसी ने मुझ में डर और सभी के साथ उसने मुझे ये सोचकर कोशिश की कि मैंने एक लड़की के रूप में कितना सुंदर देखा। तो पूरी खरीदारी मेरे लिए थी। एक विग मेरे लिए खरीदा गया था, मेरे कानों और नाक छेड़छाड़ कर रहे थे, चूने मेरे आकार को खरीदा था। जब हम वापस कर रहे थे तो मेरे मेकअप को सभी सामानों के साथ पूरा किया गया था, अंतिम छू दिया गया। अब जब मैंने एक विग और कान के छल्ले पहना था तो मैंने एक आदर्श सुंदर लड़की देखी। मैं अपने आप को डराने के साथ बंसी के साथ भी था। मैं इस प्रभाव से बहुत प्रसन्न था कि मैं बस साड़ी को दूर नहीं करना चाहता था जब ये बिस्तर पर रिटायर करने का समय था। मेरी उत्तेजना बेंसी ने आपको सारी रात के लिए पहनने के लिए उसे रात दी। अगले दिन रविवार था, ये बांसी के लिए साप्ताहिक बंद था। मैं रात को और ब्रा पहनने के लिए खुद को उठने के लिए उठा। मैं जल्दी से दर्पण से पहले पहुंच गया। मेकअप ने कुछ हद तक फीका किया था। जब मैं जानबूझकर दर्पण बंसी में देख रहा था तो कमरे में प्रवेश किया, मुझे दर्पण में पिलाने और हंसे। मैंने उसे बधाई देने के लिए वापस मुड़ गया। आज आपको पूरे दिन साड़ी पहनने की जरूरत है, यह आपको आराम से और आराम से जब आप कल प्रिंसिपल का दौरा करेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए इस साड़ी को लाया है। हालांकि ब्लाउज आपको कुछ हद तक सख्त हैं, हालांकि मैं नौकरी पाने के बाद उन्हें आपके लिए सिले मिलेगा, इसलिए मेरे अपने दाढ़ी और स्नान के बाद एक बार फिर मैंने अपने मेकअप के लिए 1 दिन में समय लिया, जिस दिन मैंने 1 दिन पहले सीखा था। हालांकि सही नहीं है, मैं इसे कुछ अच्छे तरीके से करने में सक्षम था। साड़ी एक पुरानी थी, मैंने अब साड़ी लगभग 3 बार पहना था, इसलिए इस बार मैं इसे अपने द्वारा सभी करने में सक्षम था। हालांकि मैं साड़ी पहना था, जब मैंने पूरी तरह से पहना था तब रसोई में प्रवेश किया जहां बंसी को नाश्ता तैयार हो रहा था। उसने मुझे उसके पीछे खड़े देखा। तो आपने रसोई घर में भी प्रवेश किया है, क्या आप खाना पकाने सीखने को तैयार है? ये कहकर उसने मुझे कुछ प्याज छीलने के लिए दिया। मैंने प्याज ले लिया और रसोई में एक बछड़े पर बैठ गया। बांसी अब मुझे मेरी पीठ पर पीटी और शुभकामनाएं दी। अच्छी लड़की, जब उसने मेरी पीठ में ब्रा के हुक को पिटाई किया, लेकिन फिर मुझे दर्द और भावना से प्यार था। आप जल्द ही आपके लिए श्री अधिकार ढूंढने में सक्षम होंगे।
सब कुछ आप खाना पकाने में भी रुचि दिखाने शुरू कर दिया है। मैं हालांकि बांसी के विचार को खारिज कर देता हूँ, मैं एक दुल्हन के रूप में शादी करने की उत्तेजना और कल्पना से भरा था। पूरे दिन मैं बांसी के साथ अपने घरेलू कर्तव्यों के साथ उसकी मदद कर रहा था। बांसी का एक अच्छा समय था, यद्यपि उसकी माँ ने उसकी मदद की थी, लेकिन अधिकांश काम अकेले बंसी द्वारा किया गया था और आज उसे मेरी मदद करने के लिए मुझे था। उसने खुद को